भाई मैं अभी किशनगढ़ जा रहा हूँ और ये अजमेर जयपुर नेशनल हाईवे है और यहाँ मेरे को एक भैया मिले हैं जो कि इंडिया टू सऊदी जा रहे हैं और एक साल हो चुका है इन्हें घर से निकले हुए। 2025 में ये यात्रा कंप्लीट करेंगे। तो ये भैया है, देख लो इसको। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुफरान अंसारी और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर महाराजगंज से हूँ। अच्छा, मैं ऑल इंडिया टू सऊदी अरब मक्का मदीना का राइड कर रहा हूँ। मक्का मदीना का? अभी ऑल ओवर इंडिया हो गया है, अभी मैं चाइना की तरफ बढ़ रहा हूँ, नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए सऊदी अरब। तो चाइना एंटर कहाँ से, कौन से, कहाँ से करोगे? नेपाल बॉर्डर से फिर चाइना जाओगे? तो आ गया नेपाल से। तो आपका मोटिव क्या है वर्ल्ड टूर का? मुझे अभी पहला तो मक्का मदीना जाना है, फिर वहाँ से देखेंगे आगे का क्या होता है, अभी तक तो वही डिसाइड है। वो एक भाई पैदल गए थे, वो भी यहीं से गए थे अजमेर होते हुए। तो गाइस ये भैया हैं और देखो इनका ये चैनल भी है यूट्यूब पे, इनको फॉलो भी कर सकते हो आप, ऑफ बीट ट्रेवल्स के नाम से इनका चैनल है। और अगर ये आप इनकी हेल्प भी करना चाहते हो तो हेल्प भी कर सकते हो भैया की। ये देखो कैसे पूरा, तो आप कैसे टेंट वगैरह ले रखा साथ में? अच्छा, पेट्रोल पंप दर्ज। तो कितना समय हो गया आपको निकले हुए? 7 साल हो गया ऑलमोस्ट, 4 अक्टूबर 2022 से जर्नी चालू की थी। और कौन कौन से स्टेट कर लिया अभी तक? पूरा ऑल ओवर इंडिया का। ऑल ओवर इंडिया कर लिया? तो ये आपका सेकंड टूर है सऊदी का? सऊदी का। तो इन्होंने पूरा इंडिया कवर कर लिया, आप सऊदी जा रहे हैं। अभी सऊदी से घर से निकले हुए कितना समय हो गया सऊदी के लिए? 4 अक्टूबर। अच्छा, साल भर से कंटिन्यू घूम रहे आप। तो देखो इनके पास ये टेंट है, ये पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। 8 देश और 25,000 किलोमीटर की दूरी है तय करेंगे। तो कितना समय लग जाएगा आपको सऊदी पहुंचने में? तो अगर इजीली हो गया अभी तो 2024 हज मिल जाएगा मेरे को, अगर इजीली नहीं हुआ तो 2025 तक। अच्छा, अगर कोई जो भी भाई वीडियो देख रहा है, अगर कोई आपने कॉन्टेक्ट करना चाहे, कोई आपकी हेल्प करना चाहे, कोई गाइस ये जैसे अपडेट वगैरह डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप जब भी ये आपकी सिटी में पहुंचेंगे इंस्टाग्राम पे अपडेट डालेंगे, आप इनके लिए कोई भी रहने करने की व्यवस्था करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी इसी नाम से? सब इसी नाम से, इसी नाम से। तो आप अपडेट डालते हो ना रेगुलर? यार मुझे मिले थे ये भैया, मैं जा रहा था किशनगढ़ तो अजमेर जयपुर हाईवे पे भैया मिले थे, तो मैंने सोचा आपसे ऐसे लोगों से मिलाना जरूरी है यार। इसके लिए है ना बहुत एक मोटिवेशन चाहिए। ये मैंने भी सोचा था एक बार साइकिल पे तिरुपति जाऊंगा, लेकिन यार नहीं जा पाया। अब देखो इनकी यात्रा एक साल से चल रही है और अभी 1-1.5 साल और लगेंगे इनको पूरी यात्रा करने में। थैंक यू सो मच भैया, आपने बात करी उसके लिए, थैंक यू।